और छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। 21 वायदों वाले इस मैनोफेस्टो में छात्रों की सुविधाओं के अलावा सुरक्षा व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था सहित अन्य बातों का जिक्र है। घोषणा पत्र के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में जो मूलभूत समस्याएं हैं, विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय में चुनाव जीत कर जाते हैं तो निश्चित रूप से 21 सूत्री मांग पर जो हम बात कर रहे हैं, घोषणा जारी कर रहे हैं, अविलंब इस पर हम लोग निदान कर छात्रों की समस्या को निजात दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर विधायक मेनका सरदार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की। वर्धा घाट से लेकर सिंह घाट तक हर साल कटाव होता है, वहाँ पर आपका हर ये का पूजा का विसर्जन भी होता है, छठ का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं लोग, तो उसका सौंदर्यकरण और एक गार्डवाल बने वहाँ पे सुरक्षा का दृष्टि से, क्योंकि बाढ़ में काटे नहीं और वहाँ का कई बस्ती भी बना हुआ है सामने, तो हम चाहते हैं उसका घेराबंदी गार्डवाल के साथ साथ वहाँ एक घाट का भी निर्माण हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसी को प्रपोजल देने के लिए हम लोग आए हैं। आयकर रिटर्न्स भरने की अंतिम तारीख को देखते हुए विभिन्न बैंकों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। 15 सितंबर को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को देखते हुए सोमवार को विभिन्न बैंकों में काफी भीड़ देखी गई। बैंक प्रबंधन द्वारा इसके लिए अतिरिक्त काउंटर भी खोला गया है। साथ ही जब तक कस्टमर्स का काम खत्म होगा, हम लोग प्रयास करेंगे कल भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ को बैठा सकें ताकि शहर के लोगों का टैक्स सही समय पर जमा हो। इन दिनों टैक्स जमा हो रहा है और इसमें डे बाई डे बढ़ोतरी हो रही है। करीब करीब मैं देख रहा हूँ टैक्स के लिए 50 से 60 लाख रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं एडवांस टैक्स के। स्टेशन चौक के सब्जी विक्रेता अब पूरी तरह से आंदोलन के मूड में आ गए हैं। सोमवार को उन्होंने रैली भी निकाली। रेलवे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटा दिए गए स्टेशन चौक के सब्जी विक्रेताओं ने रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड की ओर से आज हम लोग सहायक अभियंता ईएन को एक ज्ञापन 500 दुकानदारों की सूची को सौंपने आए हैं। सूची सौंपने के बाद अगर ईएन साहब हम लोग को क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद हम लोग सोच समझ के बाजार के दुकानदार के साथ बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके पहले अगर रेल प्रशासन हम लोग को उजाड़ने आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भहराकोरा के विधायक कुणाल सारंगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे तारीखों की सरकार बताया है। भहराकोरा के विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ तारीखों की सरकार है और सिर्फ घोषणा पर विश्वास रखती है। कभी स्थानीय नीति तो कभी रोजगार तो कभी अन्य योजनाओं की घोषणा करती है, पर धरातल पर कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि भहराकोरा को उड़ीसा से जोड़ने वाली NH6 और NH33 के मरम्मती का कार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से शुरू हुआ है। ये सरकार तो तारीखों की सरकार है। समय हर चीज के लिए, 1 महीने में 1 लाख नौकरी, 2 महीने में स्थानीयता नीति, 4 महीने में खनिज नीति, आप देख लीजिए कुछ। हाँ तो तारीख तो खाली तारीख ही है, तो हम लोग भी वही देना करूँ करें। नहीं ऐसा बात। और NH6 का जो हिस्सा बहरागोड़ा से बंगाल को जोड़ता है, ये दोनों सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, इसका पूरा श्रेय झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे जिले के क्रांतिकारी मेरे कार्यकर्ता साथियों को जाता है। मानगो में एक बिल्डर द्वारा जमीन हड़पने जाने के विरोध में शहर के अधिवक्ताओं ने SSP को ज्ञापन सौंपा है। सहारा बिल्डर द्वारा कथित तौर पर जमीन हड़पने जाने की शिकायत लेकर काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने SSP से मुलाकात की। मेरा रजिस्ट्री और सेल डीड मोटेशन सीमांकन सब कुछ है, लेकिन सहारा जबरदस्ती समय कंस्ट्रक्शन जिसका मालिक अनूप रंजन राजेश सिंह, ये लोग जो है, ये लोग बोलता है कि हम लोग बिल्डर है। एक तो बहुत बिल्डर, हम लोग बहुत आदमी को गोली मार दिया, तुम वकील है तो क्या हुआ। दूसरी ओर कानवाई चालकों की न्यूनतम वेतन की पुरानी मांग को लेकर
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बाबर खान ने सहायक अभियंता से मुलाकात की। जिंदाबाद लाडू मातो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फजल खान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल लकड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाटा मोटर के कनवाई चालकों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है और सरकार के आदेश को अनदेखी करते हुए आज भी कनवाई चालकों को 8 घंटे का मात्र 68 रुपया मजदूरी दी जा रही है और लगातार हम लोग आंदोलन पर आंदोलन करते आ रहे हैं। ना उसका असर जिला प्रशासन पे पड़ रहा है, ना राज्य सरकार पे पड़ रहा है। तो आज हम लोग एक अंतिम आशा के साथ आज उपायुक्त महोदय के पास आए थे कि ये हमारा अंतिम आपके पास हमारा ये ज्ञापन है, यदि इस पर आप कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, ना तो फिर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास के सामने धरना देंगे और वहाँ पर ही हमको जो करना है हम करेंगे, क्योंकि मजदूर के धरती में मजदूर का शोषण यदि होगा तो इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहीं महिला जागृति मंच के सदस्यों ने प्रशासनिक आश्वासन के बाद आत्मदाह के निर्णय को वापस ले लिया। तो सिटी एसपी साहब ने तुरंत मुझे कॉल किया 7-8 बजे, कॉल करके बोले कि ये सब आप लोगों का जो है धरना प्रदर्शन 22 तक आत्मदाह होना, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो मांग है वो मांग आपका पूरी हो जाएगा। एक अन्य खबर के मुताबिक जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त से स्कूली वाहनों में फिर से ओवरलोडिंग की शिकायत की है। जमशेदपुर के स्कूलों में चलने वाले जो निजी स्कूली वाहन है उस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई और काफ़ी हद तक उस पर रोक भी लगी थी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई पर रोक लगी है ओवरलोडिंग फिर भी शुरू हो गए। दूसरी तरफ जो है स्कूली वाहन चालकों द्वारा जो है यह कहते हुए कि बच्चे कम हो गए हैं, भाड़े को वृद्धि कर दी गई है। कहाँ भाड़े की वृद्धि की गई, बच्चे अभी भी हमारे बच्चे जो है अभी भी जो असुरक्षित कंडीशन में ही स्कूल आ जा पा रहे हैं। और झारखंड वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ ने सरकार से माता पिता भरण पोषण योजना शीघ्र लागू करने की मांग की है। पिछली सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए माता पिता भरण पोषण योजना को पारित किया गया था, जिसे लागू करने की मांग झारखंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर फेडरेशन ने किया है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2014 को प्रभावी ढंग से राज्य में लागू करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। 2007 को लागू कराने के लिए झारखंड राज्य में पिछले मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के माता पिता भरण पोषण और कल्याण एक नियमावली 2014 बनाया गया, आज जिसमें ये व्यवस्था बनाई गई थी कि न्यायालय के एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा और एक समाज कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी की गठन की जाएगी, लेकिन आज करीब 1 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक ना ही न्यायाधिकरण का गठन हुआ है और ना ही कोई कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है। वहीं दूसरी ओर बिरसा नगर जोन नंबर 2 स्थित कामाख्या काली मंदिर की भूमि पर जबरन कब्जा करने की शिकायत मंदिर कमेटी ने जिला प्रशासन से किया है। किसी तरह का मदद नहीं किए और काली मंदिर सार्वजनिक जमीन जो है 3-4 हजार स्क्वायर फीट जमीन को दखल किए है और इसमें मंदिर कमेटी भागो नाग पति सुधीर नाग और ये इसके विरोध जब मंदिर कमेटी किए तो इसके ऊपर में धारा लगाए। एक अन्य खबर के अनुसार वरिष्ठ कांग्रेस नेता एस आर रिजवी 56 के नेतृत्व में बिष्टुपुर बाजार दुकानदार संघ ने एक विशिष्ट मंडल ने सोमवार को उपायुक्त से मिलकर दशकों से बाजार में दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वालों को इस तरह न उजाड़ने तथा कोई बीच का मार्ग निकालने का अनुरोध किया है। आग्रह किया गया है कि इन डेली टॉल के दुकानदारों को नियमित रूप से किसी अच्छे मार्केट की शक्ल की जाए और लोगों को बसाया जाए ताकि ये लोग अपनी जीविका चला सकें और शांति से जो है खिदमत सेवा दुकानदारों के द्वारा लोगों की सेवा होती रहे, किसी तरह का कोई अड़चन कोई परेशानी किसी